पुलिस को भी हमने कंप्लेंट की है तो हमें वहाँ से कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस भी उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस ऐसा कुछ करे जिससे कि उन्हें न्याय मिले, जिन्होंने उन पर हमला किया है उनको पकड़ा जाए, ऐसा कुछ करे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सजा दी जाए, पकड़े भी तो जाए, पूरा तरीके से सजा दी जाए, लेकिन अभी पकड़े नहीं गए, पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे प्रिंसिपल सर को इंसाफ देना है, कैसे भी दिलाइए, क्योंकि उनके 4-5 दिन हो गए, हमने हर जगह ट्राई कर लिया, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमलावर का पता नहीं चल पाया है बिल्कुल भी, कौन है, कहाँ है। तिगांव कॉलेज के आसपास उनका ये सब हुआ है, उनके साथ हमला हुआ है और उनके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हमलावर प्रशासन शांत बैठी है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है हमें। पुलिस से हमने कई बार, हमारे लेक्चरारों ने बात करी है, पुलिस वालों से एप्लीकेशन दी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी तक 10 दिन होने को आ रहे हैं, क्या कर रहा है हमारा पुलिस प्रशासन जो हमारे प्रिंसिपल सर को इंसाफ नहीं दिला सकता, आम जनता को इंसाफ नहीं दिला सकता। खट्टर साहब लगातार ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा के अंदर खट्टर सर ने कितनी बार आके ये देखा है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या चल रहा है, क्या हमारी समस्याओं से रूबरू हुए हैं आज तक? नहीं हुए, क्यों? क्योंकि उन्हें कभी वो महसूस नहीं हुआ है जो हम आम जनता महसूस करती है। हम सीएम खट्टर सर को ये मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज हमारे प्रिंसिपल सर को इंसाफ दीजिए और हमारी लड़कियों को सेफ्टी दीजिए। बल्लमगढ़ में दिन दहाड़े हम अभी जाम लगा रहे हैं, लड़कियों से बदतमीजी कर रहे हैं, क्यों? पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है प्रॉपरली, एक हफ्ता हो गया, प्रिंसिपल साहब को जानलेवा हमला हुआ, शिकायत दी गई है, स्टाफ ने जाके ना जो ना शिकायत दी है, कमिश्नर साहब को भी दी है, एसडीएम साहब को भी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक, इसलिए बच्चे जाम लगाए हुए थे। अभी तक पुलिस वाले की तरफ से क्या कहा जा रहा है? भाई यूँ कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पकड़े नहीं गए हैं जिन्होंने दिन दहाड़े ये हादसा किया। एक तरफ तो जो सीएम खट्टर है वो लगातार ये कहते हैं कि हरियाणा में जो क्राइम का जो ग्राफ है, हम ये नहीं समझ पा रहे, ये प्रशासन ही कमी है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये प्रशासन ही कमी है। अगर प्रशासन चाहता तो उसी टाइम वो पकड़ सकता था, पुलिस मैन वहीं आई थी लेकिन पुलिस मैन वालों ने पकड़ा नहीं उनको तुरंत।